आप लोगों ने इससे पहले वाला हमारा वीडियो देख ही लिया होगा जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है बेसिक कमांड ऑफ द कंप्यूटर। आई होप यू, अगर आप लोगों को उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको किसी और भी प्रकार के किसी कमांड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क कमांड्स, कि हम नेटवर्क कमांड्स का यूज़ कैसे करें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है और इसका यूज़ भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नेटवर्क कमांड क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, हमारे फ़ोन भी एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि हमारा इंटरनेट उसी के थ्रू काम करता है। तो ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चलता है, वही चीज़ मैं आपको इसमें समझाऊंगा, और ये किस प्रकार से कनेक्टिविटी बनाता है। अब हम पूरे के पूरे नेटवर्क कमांड्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो में, और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको हरि प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन CND इंस्टीट्यूट पे। चलिए देखते हैं स्क्रीन। जैसे कि हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं, तो हम सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेटवर्क कमांड्स के बारे में विंडोज़ के। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा CMD कमांड प्रॉम्प्ट ऑन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि नेटवर्क के अंदर आपके नेटवर्क के बारे में, आपके सिस्टम के नेटवर्क के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे IP config कमांड का। IP config कमांड के द्वारा आप खुद जान सकते हैं कि आपके नेटवर्क में कौन सा डिवाइस लगा है, कौन सी IP उसको प्रोवाइड है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। तो यहाँ पर हम पहले IP config और इंटर करते हैं, तो आपको यहाँ पर शॉर्टली इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मैं मेरे PC में वाईफाई अडेप्टर के थ्रू इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे उसका वाईफाई अडेप्टर का IP एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे, सभी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ इसको देखना चाहते हैं, तो पहले हम इसका एक हेल्प मेन्यू के थ्रू इसके बारे में पहले जानकारी लेंगे। तो आप स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क लगा के इंटर करेंगे तो आपको इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिफ़ॉल्टली मिल जाएगी। अब इसमें आप हर चीज़ के, जैसे कि आपको ऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, स्लैश एंड ऑल लिखेंगे तो मुझे फुल इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन की मिल जाएगी हमारे नेटवर्क के बारे में। आपको कमांड किस तरीके से यूज़ करने, यहाँ पर उसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्लैश एंड देन ऑल किया, तो मैं यहाँ पर नेटवर्क की फुल इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। विंडो IP कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम मेरा क्या है, नेट टाइप क्या है, हाइब्रिड है, उसमें राउटिंग इनेबल है, विन प्रॉक्सी भी इनेबल है जिसमें नो दिया है, इथरनेट अडेप्टर में कोई भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मुझे उसका फिजिकल एड्रेस ही नज़र आ रहा है। सेम एज इट इज़, अब मैंने यहाँ पर वाईफाई लगाया हुआ है, तो वाईफाई अडेप्टर की मुझे यहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशंस मिल रही है। मेरे वाईफाई अडेप्टर का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, HTTP DHCP इनेबल है, उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन भी इनेबल है कि वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, लिंक IP एड्रेस क्या है, मुझे IP वर्जन 6 का, IP वर्जन 4 का एड्रेस क्या है जो परफिस्ट है, सबनेट मार्क्स क्या है, मैंने लास्ट टाइम इसको कब कनेक्ट किया है तो आज की डेट हो रही है, लॉस एक्सपायरीज क्या है, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है, जिसके थ्रू आप यहाँ से देख सकते हैं आपके नेटवर्क की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके PC की यहाँ पर मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की, पिंग।
पिंग कमांड क्या होता है कि हम पिंग कमांड के द्वारा किसी भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं कि मेरा गूगल के साथ कनेक्टिविटी बराबर है कि नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको पिंग कमांड लिखना है और फिर आपको www.google.com देन इंटर करेंगे। तो मुझे कनेक्टिविटी मिल रही है, उसकी साइज़ क्या है, 32 बाइट्स के हिसाब से टाइमिंग क्या है एंड रियल टाइम लिस्ट क्या है, वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। और प्लस आपको गूगल का आईपी एड्रेस जो मुझे मिल रहा है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इस आईपी एड्रेस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर मेरे गूगल क्रोम पे आता हूँ और यहाँ पर मैं उस आईपी एड्रेस को पेस्ट करके एक बार इंटर करूँगा तो भी मेरा गूगल का पेज ही ओपन होता है। मीन्स ये आपको एक गूगल आईपी मिल रही है जिसके थ्रू आपको गूगल की आईपी मिलती है। इसमें सिंपल पिंग कमांड में आपको सिर्फ 4 पैकेज ही सेंड होते हैं। अगर आप इसकी कनेक्टिविटी बराबर रखना चाहते हैं, कंटिन्यू बनी रहे, तो उसके लिए आपको इसमें यूज़ करना पड़ता है हाइपन टी। तो जैसे ही आप इसमें हाइपन टी करके यूज़ करेंगे तो ये कनेक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहेगी। आप जब तक इस पैकेजेस को स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये कनेक्टिविटी उसी तरीके से बराबर चलती रहेगी। अगर आप इस चीज़ को स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होगा कंट्रोल सी, जिससे इसका पैकेजिंग सेंडिंग पैकेज आपका स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसके वाइट्स की साइज़ मुझे बढ़ानी है तो आप इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में मोर डिटेल्स चाहिए तो आप इसमें सिंपल हाइपन एंड क्वेश्चन मार्क का लगा के आप यहां से देख सकते हैं कि आपका कंटिन्यू पिंग के लिए हमने हाइपन टी का यूज़ किया था। अगर मुझे काउंटिंग नंबर फिक्स रखना है, सेंडिंग पैकेज, वो भी हम कर सकते हैं। अगर सेंडिंग का पैकेज भी साइज़ बढ़ाना है तो वो उसके लिए हम हाइपर एल का यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको ये दोनों यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने हाइपन एल लिया और यहाँ पर मैंने साइज़ पैकेज की 500 वाइट्स रख दी है और उसके बाद मैंने गूगल का एड्रेस दिया। और उसके बाद मैंने इसे सेंड किया तो मेरे पैकेज की साइज़ यहाँ पे वाइट्स बढ़ चुकी है। 500 वाइट्स के हिसाब से ये पैकेज सेंड हो रहा है। मीन्स आप इस तरीके से अपने पैकेज की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते कि आपकी लिमिटेड काउंटिंग नंबर सेंडिंग हो तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखा था काउंट के लिए एन एन साइज़ का यूज़ करके मैं यहाँ पर आपका काउंटिंग नंबर दे दूँगा कि ये पैकेज कितनी बार सेंड होना चाहिए। तो मैंने एन हाइपन एन लिखा और इसे 15 बार पैकेज सेंड होने चाहिए, तो वो भी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो ये 500 के बाइट्स का पैकेज 15 टाइम यहाँ पर सेंड होने वाले हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये पैकेज साइज़ स्टॉप हो जाएगा। मीन्स आपको टोटल सेंडिंग पैकेज आपका मिल रहा है 15 और रिसीव हुआ है 15, लॉस भी 0 है। मीन्स इस प्रकार से आप अपने पैकेज साइज़ को बढ़ा के और सेंडिंग काउंटिंग को भी फिक्स करके आप अपने मैक्सिमम को भेज सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी किसी भी नेटवर्क में या किसी वेबसाइट के साथ तो कनेक्टिविटी आपकी बार बार लॉस हो रही है, तो आप पिंग कमांड के थ्रू आप उसकी कनेक्टिविटी को बराबर रख सकते हैं और उसका यूज़ फास्टली कर सकते हैं। इसके लिए हम पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नए कमांड की, मैक गेट मैक। अगर आप किसी भी कंप्यूटर के मैक एड्रेस को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड करेंगे मैक। तो यहाँ पर हम गेट मैक, तो इसके थ्रू अगर आप देखें तो मेरे कंप्यूटर के फिजिकल एड्रेस क्या है उसके बारे में उसने बताया और उसका मीडिया क्या है, कनेक्टेड है मिस, और दूसरे डिवाइस का जो मेरा वाईफाई अडेप्टर है उसका भी फिजिकल एड्रेस क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर बता रहा है।
अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं इस कमांड के बारे में, तो हाइफन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो भी आपको यहाँ पर उसके बारे में फुल डिटेल मिल जाती है। हाइफन एस मतलब सिस्टम, रिमोट सिस्टम कौन सा यूज़ करें, एज इट इज़ अगर आप इसके बारे में मोर डिटेल लेना चाहते हैं कि किस फॉर्मेट में आप इसे देखना चाहते हैं, टेबल या लिस्ट या CBSE में, तो हम इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। मीन्स यहाँ पर ऑलरेडी कमांड दिया गया है कि आप किस तरीके से इसे देखना चाहते हैं, तो वही कमांड का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। और CBSE फॉर्मेट में करेंगे तो आपको इसको ट्रांसपोर्ट नेम के हिसाब से दिख रहा है। अगर आप मैं इसको लिस्ट में देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ टाइप करूँगा लिस्ट देन इंटर, तो ये मुझे लिस्ट के हिसाब से दिखाई देगा। अगर मैं इसको टेबल के हिसाब से देखना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ पर टाइप करूँगा टेबल, तो ये मुझे पूरा टेबल के हिसाब से दिखाई देगा। इस तरीके से मीन्स आप यहाँ पर किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस मीन्स मेक एड्रेस देखना चाहते हैं तो आप इस कमांड के थ्रू मेक एड्रेस देख सकते हैं। आई होप यू आप लोगों को इस वीडियो में पता चल गया होगा कि हमारे इस वीडियो में हमने ये चीज़ सीखा कि हम IP config कमांड के द्वारा किस प्रकार से हम नेटवर्क के अपने कंप्यूटर नेटवर्क के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पिंग कमांड के द्वारा हम किस प्रकार से नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, और हम अपने गेट मेक के द्वारा किस तरीके से किसी भी डिवाइस का फिजिकल मेक एड्रेस निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ये चीज़ आज के हमने वीडियो में देखा है। बाकी कमांड्स के बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा डिटेल में, कि जिससे आप लोग और भी अच्छे से डीपली इसके बारे में जान सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।